नमस्कार दोस्तों, अभी अभी दिल्ली से वाराणसी जा रही ट्रेनों के साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ये बड़ी रेल दुर्घटना कहाँ पर हुई है, कैसे हुई है और इस बड़ी रेल दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है, आखिर किसकी लापरवाही से बार बार रेल दुर्घटना देखने को मिलती है, क्या है पूरी घटना जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह महामना एक्सप्रेस दिल्ली से चलकर वाराणसी की ओर जा रही थी। आपको बता दें, जौनपुर के सराया हरकू और बक्सा के बीच बेलापार गेट संख्या 16 पर ट्रेन पहुंची थी और अचानक एक बाइक सवार गेट पार कर ट्रैक पर आ गया। अच्छी बात ये रही कि उसकी बाइक ट्रेन में फंस गई, तो आरोपी उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है और इतने में ट्रेन आ जाती है और ट्रैक पर पड़ी बाइक से जोरदार टक्कर हो जाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह टक्कर इतनी भयंकर थी कि तेज धमाका हुआ और ट्रेन के साथ घिसटते चल रही बाइक में आग लग जाती है। रेलवे ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस घटना में कोई खासा नुकसान नहीं हुआ है, ट्रेन की लोको पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से टल जाता है और यात्रियों को कोई भी नुकसान नहीं होता है। रेलवे ट्रैक के जांच के बाद करीब एक घंटे की देरी से ट्रेन को वाराणसी के लिए रवाना किया जाता है। बताया जा रहा है कि सोनपुर रेलवे जंक्शन पर GRP रमेश कुमार के मुताबिक बाइक को कब्जे में ले लिया गया है और उसके मालिक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बाइक मालिक की पहचान होने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि रेलवे ट्रैक को पार करना अपराध है और ऐसा करने पर सजा के हकदार और जुर्माना भी लग सकता है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही थी कि दिल्ली से वाराणसी जा रही महामना एक्सप्रेस से एक बाइक टकरा जाती है, जिसके बाद ये बड़ा रेल हादसा हो जाता है। अच्छी बात ये रही कि इस घटना के दौरान किसी भी यात्रियों की या मोटरसाइकिल ड्राइवर की या लोको पायलट की जान नहीं जाती है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।